हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, आज है 14 तारीख और व्लॉग की स्टार्टिंग की है मॉर्निंग 10 बजे से। आज का इस गोवर्धन पूजन करेंगे हम तो। किसी ने 13 तारीख को किया है, किसी ने 14 को, तो हम 14 तारीख को कर रहे हैं। और भैया दो जो है 15 तारीख की है। किस किस ने कल करा और कौन कौन आज कर रहे हैं कमेंट करके बताइए जी। और व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो जो न्यू है वही चैनल पर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी मैंने घर के कुछ काम किए हैं गाइज, किचन के काम रह रहे हैं, तो बस साफ़ सफाई वगैरह की है। फिर मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ और कान्हा जी को नहा दिया है, तो मैंने अपने ठाकुर जी को नवा कर बैठा दिया है। अभी करेंगे उसके भोग की तैयारी। उससे पहले ये देखिए, मैंने आज ये गोल्डन कलर का बॉर्डर और ब्राउन कलर की कॉफ़ी कलर की जो साड़ी है ये पहनी है, तो कैसी लग रही है। अभी चलते हैं किचन में और ठाकुर जी के भोग की तैयारी करेंगे। तो क्या बनाएंगे आज सुबह का जो भोग लगता है ठाकुर जी का गोवर्धन वाले दिन, तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? सबकी अलग अलग रवाज होती है, कहीं पर कुछ बनता है कहीं पर कुछ। तो यहाँ पे आज बनेगा कड़ी बाजरा और मैं कड़ी बाजरा बनाई हूँ, बाजरे की खिचड़ी और कड़ी। और कड़ी में 7 चीज़ें पड़ती हैं, तो 7 चीज़ कौन कौन सी पड़ती हैं? जैसे कि आलू, बैंगन, हरी मिर्च, पालक, इस तरीके से आप काट के और जो जो कड़ी में डलती है वे सभी चीज़ें इसमें डालकर फिर आपको बनानी है कड़ी मेथी में छोक कर। और गाइस अभी उसके साथ साथ मैं एक साइड बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी, थोड़े से चावल बनाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी। तो बच्चे खिचड़ी खाते नहीं हैं बाजरे की, उनको कड़ी चावल और रोटी चाहिए होती है। और खिचड़ी ज़रूर बनेगी क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगेगा और प्रसाद में सभी को दी जाएंगी। तो ये देखिए अभी मैंने रोटियां बना दी हैं और खाना बनकर हो गया, कड़ी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है, खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई। तो ठाकुर जी के भोग के लिए मैंने प्लेट लगा ली है, कड़ी और खिचड़ी रोटी दो रखी है। तो ये भोग लगा के फिर ये गाय को दे दूंगी। और जो थोड़ी सी खिचड़ी है उसको तो 2 चम्मच सभी प्रसाद के तौर पर ले लेंगे। जो नहीं खाता वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेनी जरूर होती है, ये प्रसाद होता है आज। अब चलते हैं गाइस मंदिर में, चलिए पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद फिर मैं चाय बना कर पी थी मैंने और खाना खा लिया था सब ने। तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे अभी गोवर्धन बनाना था। और मैं ये सोच रही थी कैसी छवि बनाऊँ, किस तरीके से। देखो कई तरीके से रखा जाता है, तो मेरे गांव में तो पूरा गोबर इकट्ठा कर देते हैं ऐसे और 3 ऐसे बड़े बड़े रोल से बनाते हैं, उसी में हाथ मुँह निकाल देते हैं कान्हा जी के और ऐसे बना देते हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी अब के मैं श्री कृष्ण भगवान की छवि बनाऊं, कन्हैया जी की छवि बनाऊं, तो फिर मैंने वही बनाई है। लेकिन गाइज मेरे को आती नहीं थी, मैंने फर्स्ट टाइम अपने कान्हा जी ऐसे मतलब बनाए हैं गिरिराज जी के रूप में। तो ऐसे नॉर्मल तो मैंने काफ़ी बार बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ, पर उसमें जैसे कि पूजा करते हैं ना तो इकट्ठी ही पूजा करते थे और इकट्ठी ही बनाते थे। अब की बार भी इकट्ठी ही पूजा करेंगे और इकट्ठा ही बनाएंगे, बट अब की बार मैंने अपने व्लॉग के चक्कर में खुद बनाना, अपने मतलब घर में बनाना अच्छा समझा, तो इसलिए मैंने अपने घर पे भी बनाया है। वहाँ भी हम सब इकट्ठे होकर पड़ोस में बनाते थे और अब की बार भी बनवा के आऊँगी। गोवर्धन जी महाराज व्लॉग देना है कम्प्लीट हो चुके हैं और फिर मैं जाऊँगी वहाँ पर उनका। अब इनकी पूजा होगी रात को, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बार भी आंटी ने बोलना है कि ना अपना जल्दी से, बस थोड़े से पैर मेरे में पेट में है, बस थोड़े से पैर थोड़े से इधर उधर हो गए, चारों तरफ से मतलब सजावट कर दी है ठाकुर जी के। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं बताना। इसके आसपास जो कलर और खिल भी कर रही है इनको उठा लेते हैं। तो जी जैसे पहली बार बनाया है तो मेरे को भी देखो अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, तो वही चीज़ है। फिर गाइज मैं गई थी पड़ोस में तो उनका बनवा के आई आंटी का, और साइड में दीदी है उनके ठाकुर जी बहुत ही सुंदर बने हैं। वो आएंगे दूसरे चैनल पर, सोनिया शर्मा ऑफिशियल जो चैनल है उस पर डाला है जी, तो प्लीज़ जाके देखना। और उन पर ना बड़े वाले गिरिराज जी गोवर्धन महाराज बड़े वाले हैं, बहुत ही सुंदर हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा। और मैंने अब छोटे से बनाए हैं। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो पूजा की तैयारी करने लगी थी। राजीव जी मार्केट गए हैं तो मैंने कॉल की थी किस टाइम तक आओगे, बोले 7:30 बजे तक
आऊँगा पूजा को वही टाइम है, तो अपना तैयारी कर लेना थाली वगैरह पूजा की। तो मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ और आज भी पकवान बन रहा है गाइज। मैंने खीर बनाई है और मीठी और नमक की पूरी बनती है, मतलब अठावड़ी बनती है। आप ना चिल्ले बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं कई जगह, वे बना सकते हो, लेकिन मैं पूरियाँ बना रही हूँ, मीठी और नमक की पूरियाँ दो तरीके की। और साथ में मैंने ये प्लेट लगाई है, तो इसमें मैंने लिया है देसी घी का दिया लिया है, फूल लिए हैं और मिठाई ली है, खिलौने लिए हैं और एक मिट्टी का गणेश जी बनाया है कलाई में और उसमें पैसे रखते हैं। तो किस तरीके से आज की पूजा करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखना जी, फुल वॉच करना प्लीज़। आपको बहुत अच्छा लगने का व्लॉग आगे भी, और अब तक कैसा लगा वो भी आप मेरे को बताना कमेंट में, लेकिन आगे भी बहुत अच्छा लगेगा। सभी एक साथ पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और अभी मैं ना खाना भी बच्चों के लिए साथ साथ बना कर दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, फिर पूजा के बाद तुरंत बोलेंगे, तो गरम गरम पूरियाँ बना के और पैक करके रख दूँगी, तो वो गर्म ही रहेंगी। तो ये देखिए अभी ये मेरी लास्ट पूरी है और बन के हो गई है तैयार, और मैंने ये क्या क्या थाली में तैयार किया है ये देखिए आप। तो मिठाई का डब्बा अलग से धर लेंगे, खीर ले ली है और ये पूरी वगैरह सभी चीज़ें ले ली है, तिलक ले लिया है, हल्दी ली है, चावल लिए हैं। तो ये यहाँ पर ये सभी पूजा करने आ गए हैं, भाई पड़ोस में भैया हैं हमारे, भाई साहब कई हैं आस पास के, तो सभी हैं। तो ये पूजा करेंगे किस तरीके से करेंगे वही देखें, मैं तो हर साल देखती हूँ गाइज हमारे यहाँ पे कैसी पूजा होती है, लेकिन आप भी देखना आज व्लॉग में किस तरीके से करते हैं। सब अलग अलग आएंगे, तिलक करेंगे, भोग लगाएंगे और फूल से ऐसे पानी अर्पित करते हैं, मतलब गंगा जल से ऐसे स्नान भी करवाते हैं, तो कई तरीके से पूजा कर रहे हैं। मैं बस आपको ये दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे करते हो या आप कोई अलग तरीके से पूजा करते हो बताना। इसमें ना सीख भी लगाते हैं, चारों तरफ सीख लगाते हैं कॉटन में लगा के। विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चक्रेश्वर है विश्राम विश्राम। आप जी सभी जेंट्स लोग पूजा करके प्रसाद लेके चले गए हैं, फिर उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ, और प्रसाद में वही अठावड़ी बटती हैं और मिठाई बटती है जो पूजा में रखी जाती है। और यहाँ पे कुल्लो रखी है, कुलिया, उसमें दूध रखा था, तो दूध यहाँ पे वंश ने पिया है, उसमें हाथ नहीं लगाते, ऐसे ही मुँह से उठाते हैं और पी जाते हैं। तो ऐसे लड़का कोई भी पी सकता है घर में जो होता है। और फिर अभी उनके जाने के बाद हम भी पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने पड़ोस में भी पूजा करवाने जाना है। इतने वहाँ पे जेंट्स लोग करेंगे, इतना मैं यहाँ पे कर लूँगी, फिर वहाँ पे करवा के आऊँगी। और सभी एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब लगता है गाइज। मैंने स्पेशल व्लॉग के कारण अब की बार अपने ये अलग से बनाए हैं, नहीं तो हम सब एक साथ ही करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जी अभी पूजा के बाद जो गिरिराज जी महाराज बनाए हैं,
तो ये रात भर ऐसे ही रहेंगे, देसी घी का दिया यहाँ पे जुड़ा रहेगा। और फिर सुबह 4 बजे क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी, वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आगे आने वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना। और गाइज आज का व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है, तो बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को करना सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।